हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पैकेट वाले गुलाब जामुन, इजी सी घर पे कैसे बनाया जाता है। हमेशा गुलाब जामुन बनाते टाइम फट जाता है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि बिना फटे पैकेट वाले गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स, ये मैंने लिया हुआ है। आशीर्वाद का, MTR का भी आता है और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो आपको जो ब्रांड्स आपके घर में अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये पैकेट ओपन करके पूरा ऐड करके ले रही हूँ पाउडर। आप ये घर पे भी बना सकते हो मिल्क पाउडर से। मेरे चैनल में वीडियो है मिल्क पाउडर से कैसे मैंने गुलाब जामुन बनाया हुआ है, बट अगर आपके पास इस तरह से पैकेट है इंस्टेंट तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से गूंद के लेना है, एकदम से नहीं पानी ऐड करना। और एक है, गुलाब जामुन बनाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता है, एक कप तक के पानी में ही बहुत ही अच्छे से आटा गूंद के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से रेडी करके ले रही हूँ। अगर आप मिल्क ऐड करना चाहते हो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हो। बट मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से आटा गूंद के ले रही हूँ। इस वजह से ही आपको आटा गूंद के लेना है। यहाँ पे रेडी हो गया है एकदम अच्छे से, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से आटा गूंद के रेडी है। इसे हमें देना है रेस्ट करने के लिए 10 मिनट्स तक। तब तक हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप के लिए मैंने शुगर और पानी ऐड करके यहाँ पे मेल्ट होने के लिए रखूँगी शुगर को। यहाँ पर मैंने 2 कप शुगर लिया हुआ है और 2 कप पानी लिया हुआ है। जितना आप शुगर लेंगे उतना ही पानी लेना है। तो यहाँ पर हमें शुगर को मेल्ट होने के लिए रख देना है। अभी अच्छे से पिघल रहा है शुगर, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर। आप इसमें लेमन जूस इसी टाइम में ऐड कर सकते हो। लेमन जूस ऐड करने से क्या होता है, आप कितने भी टाइम रखो ये शुगर सिरप थिक नहीं हो जाता, जैसा आपने सिरप बनाया हुआ है वैसे ही रह जाता है। तो आपको इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। ये हमारा आटा जो है रेस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका छोटा इस तरह से गोला बना कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें राउंड शेप या फिर आपको जो शेप चाहिए वो शेप देना है। आपको बहुत इस तरह से प्रेस करके करोगे तो इतने अच्छे से राउंड शेप में आ जाएगा और ये क्रैक भी नहीं हो जाएगा। तो सेम वे से मैंने सारा बनाकर रेडी कर दिया गुलाब जामुन। और ये दूसरे वे में मैं रख रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, वहाँ पर सब गुलाब जामुन रेडी करके भी रख दिया है डीप फ्राई करने के लिए। तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम में रखना है हमें हमेशा। तो उसके बाद जो गुलाब जामुन है उसे हम ऐड करेंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इस तरह से। फिर इसे आपको डायरेक्टली नहीं उल्टा करना है। ये आप देख सकते हो अपने आप में ही ऊपर आ रहा है। उसके बाद आप इसे इस तरह से टर्न करना है, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, गैस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। हाई फ्लेम पे रखने से इसका जलने का चांसेस रहता है, तो मीडियम फ्लेम पे रख के मैंने अच्छे से दोनों साइड से फ्राई करके ले लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कलर चेंज हो गया है, तो और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक रख दूंगी मैं। जस्ट 5 से 10 मिनट लगता है ये फ्राई होने पे, लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि डायरेक्टली हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जलने का चांसेस रहता है। तो ये रेडी हो गया है गुलाब जामुन।
तो अब मैं इसे निकाल दूंगी, निकाल के मैं इसे डायरेक्टली शुगर सिरप में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं निकाल दिया है, निकाल के मैंने डायरेक्टली शुगर सिरप में ही डाल दिया है। और फिर बचा हुआ भी मैं निकाल दूंगी और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी सेकेंड बैच गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। अब ये मैं शुगर सिरप में एटलीस्ट 30 मिनट्स तक तो सोख होना चाहिए आप फर्स्ट सर्व करने तक। तो यहाँ पे अपना गुलाब जामुन तो रेडी हो गया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बना हुआ है और कोई भी गुलाब जामुन टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। वाव, ये दिखने में भी बहुत टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस रेसिपी को इस दिवाली में ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।